सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। समानी नक्सलियों जैसा और गिरफ्तार हुआ शातिर अपराधी। जी हां, आज गढ़वा जिले में एक गिरफ्तारी ऐसी हुई। आपको बताते चलें कि जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना अपराधी उमेश चौधरी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी बड़ी खबर तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है एक अपराधी के पास से डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी होना। उसकी गिरफ्तारी बड़ी खबर तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी खबर है कि एक अपराधी के पास डेटोनेटर और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी होना। जैसे हम और आप देख और जानकर चकित हो रहे हैं, ठीक उसी तरह पुलिस भी विस्फोटकों की बरामद होने को लेकर गंभीर है। तभी तो उमेश की गिरफ्तारी के बाबत जानकारी देने के साथ साथ एसपी विस्फोटकों के बारे में कहते हैं कि पुलिस उससे पूछताछ करने के अलावे अपने तरीके से मालूमात करने में जुटी है कि कहीं उमेश का संबंध नक्सलियों से तो नहीं। चिनिया थाना के डोल क्षेत्र में दो अपराध कर्मी, एक गीतन यादव और दूसरा उमेश चौधरी, दो सेमी ऑटोमेटिक राइफल और कारतूस के साथ सक्रिय पाए गए थे। एक का नाम गीतन यादव, दूसरे का नाम उमेश चौधरी है। गीतन यादव पिछले कुछ दिनों में दो लोगों पे फायरिंग किया था और उसका सहयोगी उमेश चौधरी था। उमेश चौधरी को गढ़वा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 134 राउंड जिंदा गोली, 8 नन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और एक देसी हैंड ग्रेनेड और पिट्ठू इत्यादि बरामद किया गया है। इस छापामारी में मुख्य भूमिका एडिशनल एसपी गढ़वा और एसडीपीओ रंका की रही है।